गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे, स्वस्थ और सेहतमंद होंगे। आज टीबीडी आप सबके लिए जैक फ्रूट की रेसिपी लेकर के आया, जिसे हम कटहल कहते हैं। इसमें विटामिन सी होता है और इसको खाने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आज टीबीडी बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रेसिपी आपके लिए लेकर के आए, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने एक कढ़ाई में 1 टीस्पून ऑयल डाला है और हम इसमें जैक फ्रूट्स को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमने कुछ मसाले लिए हुए हैं जिन्हें हमें साथ में ग्राइंड करना है। इसमें है क्यूमिन सीड्स, जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, एक अनियन लिया हुआ है, ग्रीन चिलीज, जिंजर और गार्लिक। यहाँ पे हमने गार्लिक ज़्यादा लेना है जिससे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आए। अच्छे से ग्राइंड कर लिया है सारे मसाले, और जैक फ्रूट भी हो चुका था, इसे हमने अलग सेपरेट कर लिया है। अब हम 1 टीस्पून ऑयल में क्यूमिन सीड्स डालेंगे और साथ ही साथ तेज के पत्ते, इन्हें थोड़ा होने देते हैं। और अब इसमें हम एक चॉप किया हुआ अनियन डाल देंगे और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये अनियन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हमने जो पेस्ट तैयार किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। वेजिटेबल को खाने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, इम्यून पावर आपका अच्छा रखता है, और ये खाने में टेस्टी तो होता ही है और बहुत ही अच्छा। अगर आप इसे मसालों के साथ बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी आता है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम इसमें ऐड करते हैं टमाटोज़ भी हमें अच्छे से कुक कर लेना है। तो अस्थमा या फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो फिर आप इसे ज़रूर अपनी डाइट पर ऐड कीजिए। चलिए अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। अब हम 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। नमक डाला गया है इसलिए ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक मसाला अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता हम इसको तब तक सेकेंगे। मसाला अच्छे से हो चुका था। अब हमने जो जैक फ्रूट फ्राई किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि मसालों का फ्लेवर जैक फ्रूट में आ जाए। ऐड करेंगे 1 कप वाटर। आप चाहें तो इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं जिससे इसमें टैंगी फ्लेवर आ जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम 5 मिनट्स तक ढक के अच्छे से कुक होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए जैक फ्रूट अच्छे से हो चुके थे। अब हम इसे किसी भी डिश या फिर बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तब इसको करते हैं सर्व। इसकी गार्निशिंग हम करेंगे कोरिएंडर लीव्स के साथ। को अपने डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो गाइज़, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो फिर से हाजिर होगा अपने नए नए वीडियोज़ के साथ। टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। Thank you.